रेडी हैं आप लोग जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने डिजिटाइजेशन ऑफ द पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर सेटअप के हवाले से जो एक स्टार्ट लिया है, ये एक फ़र्स्ट स्टेप है जिसको अभी लिया गया। इसके साथ कोई 6 कंपोनेंट्स और भी हैं। फर्स्ट स्टेप जिसमें आज हमने इनॉग्रेशन की है, जो मोबाइल हमारा एक समझने पूरा आपका एक थाना जो है वो मोबाइल होगा मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए। टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे हमने इसको स्टार्ट किया है। ये ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अरसे पहले स्टार्ट किया था और उसकी अडेप्टबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में होम मिनिस्टर साहब और आईजी साहब ने इनिशिएटिव थोड़ा सा इसको परसू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखना चाह रहे थे कि सहूलत अगर आपके पास हो, आसानी अगर आपके पास हो पब्लिक की और लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो इस फैसिलिटी का क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके लिए एक आम आदमी को कभी थाने जाने पड़ता है, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, आपको टेनेंट सर्टिफिकेट होता है, एम्प्लॉई का होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का होता है, केसेस का होता है। तो हमने कंपैरिजन देखा है कि इसको जब हमने मोबिलाइज़ किया तो इसका जो आउटकम है कि नॉर्मल थानों में अगर लोग 20 से 30 जाते थे एक कंसर्न सब्जेक्ट के हवाले से, इन बसेस पर तकरीबन 300 से 400 लोग गए हैं एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसकी सक्सेस को देखते हुए हमारा यही प्लान है कि हमने इसको क्वेटा से स्टार्ट किया है, फिर ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इंशाल्लाह जाएगा और फिर इंशाल्लाह फाइनली हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे। ये 2020 का होम डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ज़िया साहब और मोहसिन साहब आईजी साहब ने जो कि इनिशिएटिव लिया है कि 2020 इन्होंने रखा है फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हमारे बलूचिस्तान की पुलिस है और साथ साथ इंशाल्लाह लेवीज़ भी होगी, कि हम डिजिटल मैकेनिज्म से लोगों को कितनी सहूलत दे सकते हैं, लोगों के लिए चीज़ों की आसानी किस तरह ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सेस को मॉनिटर किस तरह कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को साथ में किस तरह इन्फोर्स करके कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जो दूसरे सूबों में जाके काम करते हैं, एम्बेसीज़ में जाके काम करते हैं, ऑफिसेज़ में जाके काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, और उन एम्प्लॉइज़ को बड़ी बेसिक सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और उसके जो प्रोसेसेस पहले थे वो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू लोगों को एक बड़ी आसानी आएगी। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, जिसमें ये जो बसेस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये डिफरेंट स्पॉट्स पर जाती हैं, इनको हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और इसका एक जो भी रिकॉर्ड हमारे पास आएगा उस रिकॉर्ड को हम एनालाइज़ करेंगे कि इसका फ़ायदा पब्लिक को या लोगों को सर्विस सेक्टर में कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, अप्रिशिएट कितना किया जा रहा है, आसानी कितनी बढ़ी है। और ये चूँकि सॉफ्टवेयर बेस पे है, इसका बड़ा एक आईपी सिस्टम बैक हैंड पर पूरा मेनटेन किया जा रहा है, थ्रू कैमराज भी हैं ये सारे, इसके अंदर भी सर्विस जो है उसको बाकायदा, सिर्फ ये नहीं होगा कि जी बस आपने हवाले कर दिए, इस बस के अंदर जितनी भी कार्रवाई होगी एम्प्लॉइज़ का, ऑफिशियल्स का, लोगों के साथ, वो बाकायदा मेरे ख्याल एक एसपी, एक दूसरे सीनियर ऑफिसर इसको अपने आईपी कैमरास और उसके थ्रू अपने ऑफिसर्स में मॉनिटर भी कर रहे होंगे, इसके डेटा को भी मॉनिटर किया जाएगा। आम आदमी के लिए आसानी क्या होगी, वन विंडो फैसिलिटी है कि वो अपने ये बेसिक कुछ फैसिलिटीज़ के लिए या सर्टिफिकेशंस के लिए उनको 3-4 जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस फैसिलिटी में आएंगे और विद इन 1 आवर 2 आवर जो भी है उनको अपने रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेशंस है उनको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं कि वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाते हुए आवाम की आसानी के लिए प्रोसेसेस को सिंपल करना, स्पीडी करना और ताकि लोगों को बेसिक कामों के लिए एक्सेस बड़ा आसानी से मिल सके। और इंशाल्लाह यही हमारा एक प्लान है कि थानों के अंदर इनको अपग्रेड करना, इनको थोड़ा सा पब्लिक ओरिएंटेड, पब्लिक फ्रेंडली उसका माहौल भी बनाना, डिजिटलाइजेशन को लाना, सिस्टम के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको बेहतर करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह ले रही है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर भी करके बलूचिस्तान के दूसरे अजलाओं तक भी ले लें, ताकि ये सारा एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो और लिंक्ड हो, ताकि इसके हम लॉ एंड ऑर्डर केस की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी देख सकें। साथ साथ आज हमारी मीटिंग अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की भी है, यहीं पे हमने पुलिस हेडक्वार्टर में भी रखी हुई है कि मुहर्रम के हवाले से जो भी तैयारियां हैं ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर, वो किस स्टेज पे हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेथडोलॉजीज़ लिए जा चुके हैं,
एंटिसिपेशन क्या है और गवर्नमेंट अपनी तैयारी और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे अपनी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज हम यहाँ सारे मौजूद हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2020 में ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशंस और ये पुलिस का पूरा एक सेक्टोरल है इसके अंदर किस तरह की तेज़ी और बेहतरी आएगी ये एक टास्क है। एंड इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर करेगा और लोगों को बड़ा फ़ायदा भी देगा। लगता है कि CTD वाले ने आपको बड़ा परसू किया है इस मसले के हवाले से। देखिए कुछ चीज़ें हैं CTD का, मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि ये CTD एक ज़माने में सिर्फ महदूद होती थी क्वेटा तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज CTD पूरे हर ज़िले के अंदर CTD का एक सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट में जा चुका है और उसी को फहाल करके बेहतर करना हमारा टास्क है। CTD का एक बहुत बड़ा काम रहा है, उन्होंने एक बड़ा इनपुट बलूचिस्तान को दिया है, एक बड़ा काम दिया है और उनकी जो बेसिक कुछ प्रोसेसेस के जो फार्मूला जो इनकी एक फंडिंग है और इनके अलाउंस के हवाले से है, इनके बाकी जो इक्विपमेंट के हवाले से चीज़ों के हवाले से हैं हम उसको फॉलोअप करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे एक साल में है लेकिन जो भी होगा आई सी टू इट इंशाल्लाह और उसके अंदर जो भी तेज़ी लानी है जिस हवाले से उसको हम फॉलोअप उसी हवाले से इंशाल्लाह करेंगे। देखिए एक तो कुछ शाराएँ ऐसी हैं जो कि नेशनल शाराएँ हैं जिनको NHA मेनटेन करती है। जहाँ तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अपनी रोड्स का ताल्लुक है, CNW डिपार्टमेंट तकरीबन पिछले कोई आप समझें एक महीने से मोबिलाइज है। हमने भी एरियाज़ का एरियल विज़िट किया, बल्कि एरियाज़ में गए, मैं ख़ुद काबीना के साथ हम लोग गए थे, हरनाई हम गए, सिब्बी गए, जलमक्सी गए, जहाँ जहाँ फ्लड इफ़ेक्ट ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। डैमेज असेसमेंट के इनिशियल स्टेज में PND डिपार्टमेंट, यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, जितनी भी इमदाद थी चाहे वो राशन की सूरत में थी, टेंट की सूरत में थी, रेस्क्यू की सूरत में थी, FC के साथ, आर्मी के साथ, सब इदारों के साथ मिलके उस प्रोसेस को पूरा किया गया। डैमेज असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें सेमाई डैमेज होते हैं, बंदात के हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, उसकी असेसमेंट पूरी PDM में ख़ुद कर रही है और वो जो असेसमेंट आएगी फिर उसकी ट्रांजेक्शन ऑफ जो फाइनेंशियल उसकी ट्रांजेक्शन है कि किस किस अजला में किस किस चीज़ों के मद में डिफरेंट काम कराना है वो हम डिफरेंट इदारों से काम कराएंगे, जिसमें CNW भी होगा, जिसमें PDMA भी होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूस है जो चल रहा है और इंशाल्लाह जैसे जैसे फाइनल कुछ चीज़ें होती जाएंगी, क्योंकि अभी तक सिस्टम थोड़ा बारिशों और सैलाबों का आपने देखा होगा ये रुका नहीं है, तो इस स्टेज पर डेफिनेटली इसको थोड़ा टाइम और भी लगेगा ताकि फाइनल एक असेसमेंट इसकी पूरी हो सके। देखिए हरनाई का मैं आपको बताऊं, मैं जैसे हरनाई पे गया हुआ था, कुछ इस दफ़ा आप थोड़ा सा नोट करेंगे कि ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड रेंज हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। कराची का आपने देखा होगा, पंजाब में आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा शहर के हद तक तो पता नहीं आप मीडिया लोग कितने मुतमईन हैं या नहीं है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करी और जो कुछ नए रोड हमारे बने हैं, कल भी मेरा विज़िट शहर में थोड़ा सा हुआ था, एक प्रोग्राम में मैं जा रहा था तो उससे पहले मैंने देखा है, ख़ासकर मैंने जॉइंट रोड को जैसे देखा, एक नया रोड बनी है और उसका जो ड्रेन प्लान जिस तरह से बना था वो बड़ा सक्सेसफुल गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वेटा के जो नए हमारे रोड्स बन रहे हैं, आप नवाकिली में जाएंगे सरयाब रोड बन रहा है, आपका जो बादेनी रोड है, सिरकी रोड है, फिर रेडियो पाकिस्तान का रोड है, सारे क्वेटा के जितने भी हम नए रोड बना रहे हैं उनमें ड्यूल ड्रेनेज सिस्टम हम स्टॉर्म वाटर्स के इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक सक्सेसफुल स्टोरी हमें नज़र आई है कि जॉइंट रोड में मैंने शायद मेरा ख्याल पानी कहीं रुका हुआ नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसे रोड्स हैं जहां हमने रुका हुआ देखा लेकिन वो भी क्लियर हो गया। तो ड्रेनेज को बेहतर करना है। जहाँ आपने मेन डिस्ट्रिक्ट की बात की है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि नसीराबाद डिवीज़न के कुछ इलाकों में जलमक्सी में वहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। लसबेला में कुछ पोर्शंस में वो हर साल जब भी बारिश होती है कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पानी जब सैलाब आता है तो उन एरियाज़ को डेफिनेटली डिस्टर्ब करता है और जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है फिर उसकी रीहैब स्टार्ट होती है, जो डिपार्टमेंट CNW का मेन है। आवारान में इसी तरह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, उसको भी हम अपने थोड़ा कंटीजेंट प्लान हमारा ये होता है कि A1 के थ्रू हम उन कामों को इनिशिएट करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे काम हैं रोड्स के जो ऑन गोइंग है तो वहाँ हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑलरेडी पहले से मोबिलाइज़ किया हुआ है कि जहाँ जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की फ़ौरन ज़रूरत पड़े तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने ड्यूटी लगाई कि वो फ़ौरन उन रोड्स को पब्लिक के लिए कम अज़ कम थ्रू करें और बाद में जब ये सेटल डाउन होगा तो उसको रिवाइज़ करके फिर प्रॉपरली उसको बनाया जाएगा। ठीक